बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सूबे की 90 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर तो दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी। यहाँ वोट प्रतिशत 76% रहा था, जो साल 2018 के मुकाबले थोड़ा कम था। एग्जिट पोल के मुताबिक सूबे में कांग्रेस और बीजेपी की टाइट फाइट यहाँ पर चल रही है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और भाजपा के बीच में टाइट फाइट यहाँ चलती नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर भूपेश बघेल को भी बड़ा झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिलता सा नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी 49 सीटों पर आगे हो गई है और कांग्रेस 40 सीटों पर आ गई है। तो क्या यहाँ पर जो महादेव बैटिंग ऐप है उसका यहाँ पर ये फर्क या असर पड़ता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की जो महादेव बैटिंग ऐप मामले में जो उनका नाम आया है, क्या उसी की वजह से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पीछे होती जा रही है? देखिए यहाँ पर मुकाबला कड़ा हो चुका है। 40 सीटों पर है कांग्रेस और भाजपा 49 सीटों पर, यानी कि 9 सीटों पर आगे चल रही है। क्या होगा शाम तक छत्तीसगढ़ के नतीजे, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।